आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के विरुद्ध किया हल्ला बोल प्रदर्शन, कहा रेलवे का भी हो विकास, हमें चाहिए अस्थाई आवास। रेलवे का भी हो विकास, हमें चाहिए अस्थाई आवास के स्लोगन को लेकर झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति ने आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है और अपने अधिकार को लेने के लिए समाहरणालय परिसर में हल्ला बोल प्रदर्शन करते दिखे। उन लोगों की मांग है, हमें अस्थाई आवास देने की बात की थी जिलाधिकारी ने, लेकिन उनका यह वादा पूर्ण रूप से फेल हुआ। आज हमें रेलवे प्रशासन की ओर से बेरहमी तरीके से अपने ही आज्ञाने से भगा दिया गया। आखिर इस तरह हम लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस ठंड में कहाँ जाएंगे? हमें रेलवे के विकास से कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमें अस्थाई आवास चाहिए। इनसे हम लोग 19 तारीख को धरना के माध्यम से मिले थे, तो उन्होंने कहा कि हम रेलवे से बात करेंगे और आप लोग को एक दो महीना के अंदर बसा देंगे। हमने जमीन का सारा कागजात दिया, एडीएम साहब भी वहीं पर थे। हम लोग को लगा कि भाई डीएम साहब जब बोले हैं कि भाई रेलवे को रेलवे से बात करेंगे तो बात करेंगे और रुकेगा, लेकिन दो चार दिन के बाद फिर रेलवे आता है कि हमने डीएम साहब से आदेश ले लिया है उजाड़ने का। हम लोग फिर मिले 25 तारीख को मिले डीएम साहब से, तो बोला नहीं कोई आदेश नहीं दिए हम रेलवे को। रेलवे अगर कहता है कि हम आदेश लिए डीएम साहब से तो कहिए वो दिखाएगा। हम लोग सोचे भाई अभी तो अब रुक जाएगा और बोला कि एक दो महीना में हम आपको बसा देंगे, इसलिए हम लोग शांत थे। इधर जो है आज जो है वो लोग अचानक आकर के रेलवे का पुलिस मतलब सैकड़ों फोर्स होगा आकर के उजाड़ने लगा। मजदूर संबल लेकर के उजाड़ रहा है, जैसे मन तैसे जमीन मतलब जो जिसका घर है जैसे मन तैसे तोड़ रहा है, तहस नहस कर रहा है, सबका सामान बर्बाद हो रहा है। यार्ड बनाने के लिए जमीन चाहिए, जो रेलवे का प्रत्यक्ष जमीन था, जो बेकाम का जमीन था, उस पर झुग्गी झोपड़ी के लोग मकान बना करके रह रहे थे। अभी उसको उजाड़ने की बात हुई है और हम लोगों का ये नारा है, रेलवे का भी हो विकास पर हमें चाहिए अस्थाई आवास, ये मांग है। इसलिए हम लोग न तो रेलवे के विरोध में है न विकास के विरोध में है। और सबसे बड़ी बात कि अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, झुग्गी झोपड़ी के लोग भी नगर निगम के वोटर हैं, जब उजाड़ा जाएगा तो इतने वोटर जो यहाँ से वहाँ तक इधर उधर जाएंगे तो चुनाव प्रक्रिया बाधित होगी।